अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत, तबीयत सेट है सबकी? तो जी, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और सबका क्या हाल है? सब ठीक ठाक हो? यार आज का सीन ऐसा है कि थोड़े काम वगैरह हैं वो फारिग करने, तो आज टाइम बहुत कम है, मतलब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यार बाल वगैरह भी कटवाने, बाल भी देखो कितने बढ़ गए, दाढ़ी वगैरह तो पब्लिक ने कटवाने हैं, वो तो आपने खुद कटवाने हैं। नहीं नहीं, ये जाजिब साहब भी मेरे साथ हैं, इनको मैंने उठाया हुआ है, बस इनकी जो यकियां खत्म नहीं होती हैं। बोली जाएगा पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ है। तो बस अभी ये कि ड्राई फ्रूट यहाँ से उठाना है, ड्राई फ्रूट ले लें यहाँ से। यहाँ का ड्राई फ्रूट एक कोयटा का बहुत ज़बरदस्त है यार, अगर जैसे कि मशहूर भी है यहाँ का बहुत। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मशहूर नहीं है यार कोयटा की, आप लोग खुद बताएं ज़रा। राजीव साहब ना, ये बात तो सही है कि कोयटा की हर चीज मशहूर है सिर्फ इसको छोड़ के। नहीं, हम भी मशहूर हो जाएंगे एक टाइम पे यार, थोड़ा वक्त लगता है इंसान मशहूर हो जाएगा। मुंह में दांत नहीं होंगे तब आप मशहूर होंगे। तो बत्तीसी शॉट होगी। गजब बेइज्जती है। नहीं, इंशाल्लाह जो है बस अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन वगैरह लाजमी दबाए। हाँ बस ये नदीदा जाते ही दुकान पे जो शुरू हो गया। तो यार ये ड्राई फ्रूट की दुकान है यहाँ पर कोयटा में, बहुत एक मार्केट है पूरी ना बादाम गली पे। तो ये देखो भाई जान जो है थोड़े थोड़े देते भी मुफ्ती है, जो है कौन से रोस्टेड काजू हैं यार, बहुत ज़बरदस्त है हर चीज़ है यार। ड्राई फ्रूट यहाँ के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई जान ये खाद इधर बाजार में बस इसी में, ठीक है इसी में आप कर दें। दूसरा जो है देखो लिस्ट है पूरी यार। नादी देख दाना दे, आखिरी खुद ही खा रहा है यार। ये देख ये लो भाई, ये लो। ऐसे दिन भी आ गए भीख मांग खाने पड़ते हैं इनसे। कोई तरीका है भीख मांगने का? भाई ये तलवारी बादाम है यहाँ के, बहुत ज़बरदस्त बादाम है। नहीं आएगा ना, आधा आधा कर लो यार। जैसे कि देखना ये भी काजू है, सॉरी पिस्ता है, ये भी नमक वाला पिस्ता है, ये फिर ये भी नमक वाला है लेकिन ये रोस्टेड वाला दूसरा है, ये सादा है, ये फुल रोस्टेड है, किशमिश हर चीज़ है यार इधर। तो यार तो मेरे पीछे पीछे आ रहा, कसम से मुझे डर लग रहा है कि तू जेब में डालेगा। नहीं डालना, मैं इज्जत का सवाल है। देख ये जो है बादाम है, ये भी बादाम है, ये काला अखरोट है। काला अखरोट कब से आने लग गया? जब से तू आए। हाँ ये भी सादा आधा किलो रोस्टेड भी है ना, ये पड़ा है, ये अंदर पड़ा हुआ है कि भाग के रखे। मेरे पैसे थे वो दे के ले कर जाओ, तेरे पहले बहुत वारदात ने कोयटा वो देख के जाएंगे। पहले ये सब चीजें पूरी कर ले, आज का सामान होता है। आप जब भी कोयटा है जरूर निजान चौक का चक्कर लगाइएगा, उस पे पहला बैनर इस बाइक का है जो ये चोरियां करता है, दो दफा इसकी गंज भी हुई है। चुप कर बे कुत्ते, उधर ही आप लोगों ने दिखा के उसको गंजा किया। आधा किलो नहीं, दूसरा वाला है, बंद वाला। नहीं आप लोग पियो। तो यार ये जो है यार दुकान वाले की खिदमत है, देखिए जब भी जाओगे चाय का आप लाजमी पूछेंगे, यहाँ पर हमारे ऐसे मस्त रिवाज है। तेरे को पीनी आती चाय? पी रहा है? नहीं यार। ये जो है रानी टाफियाँ भी है यार यहाँ पर, मस्त मस्त रानी चीज़ें सारी आती है। हाँ आधा, हाँ आधा किलो कर दो, बहुत है आधा किलो, बहुत ज़्यादा है इसके लिए। मैंने नहीं खानी बच्चों के लिए, टॉफी वाला टाइम चला गया हमारा, टॉफी वाला टाइम चला गया। भाई जान आप क्या कहना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। कुछ तो बोलो यार, बोलो, तारीफ करो यार। ड्राई फ्रूट लिया, देखो चाय भी पिलाई है इन्होंने यार, इनकी बहुत मेहरबानी यार। लेकिन शॉप बहुत अच्छी जगह पर है, जब भी आप कोयटा आए तो इनकी शॉप यार खास जो है, मतलब ये पूरी बादाम गली है यहाँ से लेकर वो सामने तक सारा इधर जमजम के नाम से इनकी शॉप। बस आंखें बंद करके लो भाई, हम लोग लेके जाते हैं ना हमेशा यहीं से लेके जाते हैं। बहुत अच्छे हैं और मुनासिब में भी दे देते हैं, मुनासिब प्राइस यार, प्राइस वगैरह सब कुछ मुनासिब है। लेकिन ये तो चोरी करता है। जेब दिखा कौन सी जेब में डाले तूने? Thank you.
सारा ड्राई फ्रूट अभी ले लिया हमने, तो बस आगे चलते हैं। तो ये शॉपर है, इसमें डाल दिया, फिर इंशाल्लाह जो आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें मुझे और भी लेनी है काफ़ी यार, सामान है। तो भाईजान अल्लाह हाफिज़ एक दफ़ा कर लो हमारे साथ, बहुत मेहरबानी। सही है, आपका रिव्यू हमने इसमें डाल दिया है कि लाजमी इस दुकान पर, पैसे दे के जाएंगे, टेंशन नहीं लो आप। तो यार ड्राई फ्रूट वगैरह ले लिया है, जैसे आपको दिखाया है, सिनेमैटिक्स वगैरह थोड़े से बना लिए, पैसे नहीं दिए, वैसे ही ले आया गाड़ी, मुफ्त में लाया है, मुफ्त में लाया है, हराम उधर मुझ पे बातें कर रहा है। मुफ्त पे चीज मिलती क्या, आप मुझे बताओ? मुफ्त में बहुत कुछ मिलता है, पब्लिक देख रही है, वरना मैं आपको बताता। नहीं यार, मुफ्त में देखो कोई चीज नहीं मिलती है, ठीक है? मिलती है, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता आपको, नहीं मिलते हैं छिले हुए चलगोजे, छिले हुए चलगोजे। अकेला अकेला खा रहा है, ठीक है, इसने दिया, अकेला अकेला दिया उसने मुझे, खा के एक मिनट खा के फिर इसके बाद जो मेरे कोर्ट से इसने हाथ साफ किए। घर में पता क्या है, हाथ धो के ना इंसान जब वॉशरूम से निकलता है, हाथ धो के तौलिया साफ करते है, पर्दे साफ करता है, ये इसका हाल है। मैं आपको बताता हूँ, असल में इस तरह के लोगों के लिए किस्सा है। हाँ। ये माशाल्लाह से अपने दादा बू के साथ बड़ा हुआ, तो इसको हर रोज दादा बू ड्राई फ्रूट देते थे। बहुत तेज हो रहा है। एक बिस्ता देते थे, एक बिस्ता। रोजाना इसको ड्राई फ्रूट खाने को मिलता था। एक दिन इसकी आंखों में आंसू आ गए, इसने बोला दादा बू ये तो ड्राई फ्रूट आपको जरूरत है खाने की। तो उसने बोला बेटा तुम भी इतने प्यारे नहीं हो कि मैं तुम पे खर्चा करूं, बस वो मैं ना दांत नहीं है चूस के फेंकने से बेहतर वो तुमको दे देता हूं। तो नहीं उसको अभी YouTube की इनकम भी तो आ गई है। नहीं आई रे, जब आएगी वो व्लॉग भी आएगा, वो व्लॉग भी आएगा। 250 रुपए इनकम आई है, 30 रुपए और ऊपर जिनने काट ली थी ओवर एक्टिंग के। तो यार बस अभी जा रहे हैं किसी घर, एक बस सामान वगैरह छोड़ दें, फिर इंशाल्लाह यार देर भी हो रही है, तो व्लॉग भी इंजॉय करें आप लोग इंशाल्लाह, फिर आगे का दिखाते देते हैं आपको। तो यार अभी जो है सामान वगैरह सारा ले लिया था, दे भी दिया, तो बस अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ हेयर सलून बाल कटवाने। हेयर सलून भी कौन सा, मिजान चौक वाला जो थड़े के ऊपर नाई बैठे। अच्छा, हमारे यहाँ पर थड़े भी नाई बैठे होते हैं, उधर ही छतरी लगा के जो बाल काट रहे थे, अक्सर मैंने इसको देखा उधर ही बैठा होता है ये, और काट ये रहा होता है बाल। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। तो बस अभी जा रहा हूँ रास्ते में। असल में ऐसा है कि हम बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि ना असल में बाजू का जैन भाई या हमारी फैमिली मेंबर्स में से कोई भी देख सकता है, तो हमें गैरों का कोई फिक्र नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स का बहुत फिक्र होती है कि वो देख लेना तो फिर खर्चा पानी बंद हो जाता है। खास तौर पर अब्बा जान देख ले तो फिर बहुत काम खराब हो जाता है, तो इसलिए जो है संभल के थोड़ा रहना पड़ता है ना, बोलते वक्त थोड़ा सा मुँह से निकल जाता है। हमें पता है, मुझे बिल्कुल भरोसा है आपको उसकी शक्ल देख के गाली आती होगी, लेकिन प्लीज कमेंट्स में मत लिखा करें इसके घर वाले देखते हैं। लेकिन नहीं, नहीं, क्या करें, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, नहीं छोड़ सकते। नहीं 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 देखते यार, टेंशन नहीं लो, बस अभी जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर जा रहे हैं, ट्रेंड करा कर हम आपको, जनरली बाल कटवाने, ट्रेंड का बच्चा, ट्रेंड बचपन में करवाई थी, ट्रेंड इसकी करवाएंगे हम, इसको बिल्कुल आगे मारू बनाई। बचपन में कार्टून आते थे आगे मारू, आगे मारू, चलो चलते हैं बस अभी। तो यार ये जो अभी बाल काटने में आया हूँ इधर, शिरवाज़ भाई कटिंग कर दोगे अच्छी सी? जी जी, क्यों? अच्छा चलो कटिंग स्टार्ट करो, दाढ़ी वगैरह भी काफ़ी बड़ी हुई है यार, बनाते हैं अभी कुछ ना कुछ अपने आप को। टेढ़ा लग रहा है मुझे, वीडियो तो शुरू हुई। हाँ रिश भाई ऊपर करना यार, अभी तो बनवान के स्ट्रेट है, स्ट्रेट है मेरे ख्याल कर कटना। An hour later. तो भाई अभी जो है बाल भी कटवा लिए, हेड वॉश भी करवाना है, अभी ऑयलिंग करवाई है, बहुत खुश हो गया था सर यार।
वैसे बैठा हुआ है मरियल। चल जल्दी कर, क्या करेगा जल्दी, सबर कर अपनी अपने टाइम पे जो है बैठे रहो, इसका इंतजार करो, मेरे वक्त तो जल्दी कर। अच्छा ठीक है यार, अभी जो है बाल वगैरह काट लिए हैं तो दाढ़ी भी बना ली है। तो जी अभी ऐसे सिस्टम है कि जो ये अभी भूख बड़ी सख्त लगी हुई है यार। इस टाइम टाइम भी तकरीबन 4 बजने वाले हैं और भूख इतनी सख्त लगी हुई है ना, फिर चलते हैं यार कुछ खाने के लिए। बिल्कुल, मैंने दूसरी शादी की हुई एक जगह पे, मैं इसको वहां ले जा रहा हूँ, पहली तो हो नहीं रही, मैंने कहा दूसरी कर लूं। तो यार चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए, फिर जन्नत टाउन से निकले। अब आपको कुछ फर्क महसूस हो रहा है? खुद हो रहा है यार, ये देखो दाढ़ी, बात मजा आ गया, मजा आया। तो यार बर्गर मंगवाया है, और छोटे छोटे चिप्स हैं देखो, यार बर्गर का है अच्छा, इतना कोई स्पाइसी था ये, देखो बेचारा अपने ओंट मल रहा है बैठ के टिश्यू से। कहता तो स्पाइसी हो किसी काम का हो ना, काम का भी नहीं था, खा तो लिया इसके बाद बेचारा, रिस्क था, रिस्क अभी वो तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी काम का नहीं था यार। कहता खा तो लिया है तो अभी सोच रहा हूँ निकालना कैसे। निकालेंगे कैसे, तो बस अभी जा रहा हूँ यार ऑफिस की तरफ, थोड़ा काम हम उधर भी निपटा लें। तो आज का जो है ब्लॉग इधर ही था, इतना ही था, क्योंकि डेली ब्लॉग में आ गया, क्योंकि मैंने कहा कोई ब्लॉग पोस्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन लाजमी दबाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।